सिरसा में बहुजन समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि संविधान की रक्षा के लिए 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान 13 लोग शहीद हुए थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बहुजन समाज के लोगों ने कैंडल जलाई है। बहुजन समाज उनकी शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। जे 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 भी। 2018 के अंदर जब संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई इस मनुवादी सरकार ने, तब पूरे भारत के अंदर जो बहुजन समाज का एकता का परिणाम देखने को मिला, हर सड़क हर गली हर चप्पा जाम किया था, तब उत्तर प्रदेश में हमारे 13 शहीद जवान हुए थे, जिनका हमें तहे दिल से अफसोस है। उनकी याद में आज उनको याद करने के लिए उन क्रांतिकारियों ने संविधान की रक्षा के लिए उस संविधान रक्षक जिसे बोलते हैं बाबा भीम साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि पूरक देते हुए हमने ये एक पुष्प अर्पित कैंडल समारोह रखा है। उस दौरान पूरे देश में से हमारे 13 जो समाज के कौमी वीर थे वो शहीद हुए थे। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने एक कैंडल मार्च निकाला है और यहाँ एक 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। और दूसरा, एक समाज से हमारी अपील है, ये जो अलग वो लोग शहीद होकर अपनी जान गंवा कर वो अलग जगा के गए थे समाज के लिए, 2 अप्रैल भारत बंद इतिहास का, हमारे देखने के अनुसार इतिहास का सबसे बड़ा भारत बंद था,